फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इससे आपका होता है, इससे आपका जो एल्कीन है वो एल्कीन कन्वर्ट होता है एक अल्कोहल में। ये जो आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, दो स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में आप करोगे हाइड्रोबोरेशन, जो कि होता है BH3 से। BH3 भी आपको कभी कभी आपको BH3 भी मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे आपको मिल सकता है BH3/THF या BH3×THF। तो इसका मतलब क्या है BH3/THF का? BH3 जो होता है आपका एक गैस है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये जो आपकी गैस है, ये आपका जो मोस्टली एग्जिस्ट करती है वो करती है कॉमनली B2H6, मतलब डाइमर के रूप में आपका काम करती है। और जो आपका BH3 है वो आपका क्या होता है, एक लुईस एसिड है। तो यहाँ पे हम इसके THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ रिएक्शन करते हैं। जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है वो होता है एक लुईस बेस। तो लुईस बेस और लुईस एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, एक मिक्सर बनता है, उसका हम यूज करते हैं। उसका यूज क्यों करते हैं? उसके यूज से जो लेबोरेटरी में आप इसका कुछ मेथड, आप लेबोरेटरी में जो आप इसका यूज करोगे तो वहां पे जो हैंडलिंग करनी पड़ेगी आपको वो इजी हो जाएगी, मतलब इसे हैंडल करना आपका आसान हो जाता है। तो हमने क्या बताया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो स्टेप की रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में आप क्या कराओगे, यहां से आपका हाइड्रोबोरेशन जो कि आप BH3 से कराओगे। BH3 आपको क्या करना है, एल्कीन पे जोड़ देना है, जो कि एल्कीन को कन्वर्ट कर देगा एल्काइल बोरेन में। दूसरे स्टेप में आप ऑक्सीडेशन कराओगे, जो कि होता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड की वजह से। हाइड्रोजन परसेंट जो आपको हाइड्रोजन प्रोक्साइड लेना है वो बेसिक मीडियम में लेना है, तो क्या करेगा इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका जो ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, उस ट्राई एल्काइल बोरेन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्राइमरी एल्कोहल में और H3BO3 में। तो बात करते हैं रिएक्शन होगी कैसे। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक एल्कीन ली जो कि आपकी है CH2CH2। सबसे पहले स्टेप में हम करा रहे हैं इसका हाइड्रोबोरेशन, जो कि किससे होगा आपका BH3 और THF। ये क्या है आपका BH3 जो कि आपका बोरेन है। तो इसमें आपका क्या होगा कि BH3 को आपको तोड़ देना है BH2 और H into BH2 में। तो एक तरफ क्या करना है आपको, एक तरफ ऐसे लेके जाना जो कि सिमेट्रिकल, एक तरफ आपको BH2 लेके जाना। तो ये आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन BH2। उसके बाद आप दो बार फिर से इसी तरह से रिएक्शन कराओगे, इसके साथ इसी एल्कीन के साथ CH2 डबल बोन CH2 CH2 डबल बोन CH2। तो होगा क्या कि इसका एक बोन ब्रेक होगा, इसका एक एच आके उस एल्कीन पे लग जाएगा, उसे एल्कीन में बदल जाएगा और ये आपका बन जाएगा CH3CH2 का होल थ्राइस बी। कैसे हुआ कि जो आपका BH3 था, बोरेन था, उसको आपको एडिशन कराना है किसपे, डबल बोन पे। पहले स्टेप में क्या होगा आपका जो एक एच है वो इस पे जाके इस एक CH3 बना देगा, दूसरे को CH2BH2 बना देगा। उसके बाद दो बार आप इसी तरह से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या होगा, दो और आपके एल्कीन इसमें ऐड हो जाएंगे और एच क्या होते जाएंगे आपके, कम होते जाएंगे। तो CH3CH2 का होल थ्राइस बी, ये आपका क्या है, ट्राई एल्काइल बोरेन। यहाँ पे आपने कौन सा एल्काइल ले रखा है, यहाँ पे आपका है इथाइल, तो ट्राई इथाइल बोरेन। ये आपका होता है क्या, हाइड्रोबोरेशन। तो ये आपका था स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन किया, हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में हम करते क्या है, किसी एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं किससे, बोरेन से, जो क्या करता है, बोरेन को आपको ब्रेक करना है किसमें, BH3 को BH2×H में ब्रेक करना है। तो पहले क्या होगा, H जाएगा, दूसरी तरफ BH2 चल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये आपका एल्कीन एल्कीन में चेंज होगा और एक तरफ BH2 लगेगा। उसके बाद दोबारा फिर से इसी की रिएक्शन कराएंगे तो एक और CH3CH2 जुड़ जाएगा, एक H कम हो जाएगा। फिर तीसरी बार कराएंगे, इतना उसके H कम ना हो जाए तो B अकेला रह जाएगा और CH3CH2 का हो जाएगा होल थ्राइस। तो ट्राई एल्काइल बोरेन आपका बन जाता है हाइड्रोबोरेशन से। अब दूसरे स्टेप में हम करते क्या है, दूसरे स्टेप में हम करेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन की। तो इसमें ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन इसका जो कराते हैं इसका ट्राई एल्काइल बोरेन का CH3CH2 का होल थ्राइस बी, इसकी रिएक्शन आपको करा देंगे इससे बेसिक मीडियम में H2OH से। तो जो OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में H2O2 की जब रिएक्शन कराएंगे तो H2O2 क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन करने पे ये क्या करेगा, यहां से आपको इसे ब्रेक कर देना है किसी H2O2 को OH into OH में। क्या किया हमने, H2O2 को किसे ब्रेक कर दिया, OH into OH में। तो ये तीन है तो ये आपके तीन बनेंगे CH3CH2OH और प्लस आपका बी के पास होता है ट्रिपल पॉजिटिव, इसके साथ आया है OH के पास एक नेगेटिव, तो ये हो जाएगा BOH का होल थ्राइस, जिसे आप लिख सकते हैं H3BO3।
तो क्या किया हमने, पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन कराया। हाइड्रोबोरेशन के अंदर आपने क्या देखा कि हमने इसकी रिएक्शन कराई BH3 से, जो कि वो बोरेन होता है, लेकिन ये आपका एग्जिस्ट होता है किसमें, ज्यादातर B2H6 में। BH3 एक रिएक्टिव गैस है। तो उसके बाद इसमें क्या किया, इससे आपका कन्वर्ट हो गया, ये क्या था आपका ट्राई इथाइल बोरेन, ट्राई इथाइल बोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राई इथाइल बोरेन का आपने कराया ऑक्सीडेशन H2O2 बेसिक मीडियम में, उसने इसे में कन्वर्ट कर दिया एल्कोहल में। अब इसका लेते हैं हम अनसिमेट्रिकल, ये क्या था आपका जो एल्किन लिया था हमने वो था सिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल एल्किन पर हम इसका एडिशन कराते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, लास्ट में HOH का एडिशन ही होता है, अगर आपको इसे फाइनली करना है, इसे सिंगल स्टेप में करना है या 2-3 सेकंड में आप इंजेक्शन को कर सकते हैं। क्या करना होता है इसमें, HOH का एडिशन कराना है आपको, वो भी एंटी मार्कोनियोफ रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो ये आपका CH3 सिंगल बोन CH डबल बोन CH2, तो ये आपका क्या अनसिमेट्रिकल एल्किन है, इस पे आप BH3 के जब रिएक्शन कराओगे किसके बजाय इसमें THF, और दूसरे स्टेप में आपको फिर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो करना क्या है, इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके आपको क्या कराना है, फाइनली HOH का एडिशन कराना है। एच का जो आप एडिशन कराओगे यहाँ पे क्या प्रोक्साइड, तो प्रोक्साइड से आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनियोफ रूल का अकॉर्डिंग HOH का एडिशन करा सकते हैं आप, अगर आपको इसे सिंगल स्टेप में करना है, बहुत जल्दी करके करना है। कैसे, यहाँ पे एच जाएगा वहां पे जहाँ पे एच कम होंगे, और जो आपका इसमें से बचा क्या BH2 वो कहाँ जाएगा आपका एच नेगेटिव BH2 पॉजिटिव, ये बोन आपका बाहर को टूटता है तो इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे इस पर जाएगा इस वाले पे और BH2 जाएगा इस वाले पे। तो यहाँ से आपका बनता है क्या CH3 सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन BH2। इसे आप फिर से दो बार ऐसे रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाता है CH2 हमने मिस कर दिया बीच में, CH2 का होल थ्राइज बी, ये क्या बना आपका ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इसका फिर से H2O2 ओब्लिक OH नेगेटिव, आपको इसे ब्रेक कर देना किसमें, एक OH इधर एक OH इधर, तो ये आपका फिर से देगा 3 CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या बना आपका प्रोपेनोल, प्लस आपका बनेगा BOH का होल थ्राइज BOH का होल थ्राइज H3O3। तो फिर से आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमने HOH का एडिशन कराना है, तो अगर आपको सिंपल स्टेप में रिएक्शन करानी है तो क्या कर लेना आपको, इसे मान लो हमने ये ले लिया और इस पे यहाँ पे आपको मिला है लिखा हुआ BH3 OH एंड नेक्स्ट H2O2 OH नेगेटिव, तो आपको क्या करना है इस पे HOH का एडिशन करा देना है, एक तरफ H जोड़ दो एक तरफ आपका आपको एच ओ एच का एडिशन कराना है कहां पे, इस डबल बोन पे, कैसे HOH, ये H2O2 से आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोक्साइड में, प्रोक्साइड में आपको यूज करना है एंटी मार्कोनियोफ रूल, एंटी मार्कोनियोफ रूल कहता है कि H वहां जाएगा जहां पे आपको क्या होगा H कम होंगे और OH वहां पे जाएगा जहां पे H ज्यादा है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे HOH का एडिशन कराना होता है CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 1 2 3, और ये भी क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, तो ये आपका बन जाएगा 2 3 4 5, तो पेंटेनोल। तो क्या याद रखा आपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ने क्या किया, आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है दो स्टेप की होती है, पहले स्टेप में आप क्या करते हो उसमें हाइड्रोबोरेशन कराते हो, हाइड्रोबोरेशन के अंदर आप रिएक्शन कराते हो किससे BH3 से, और BH3 का एडिशन करा देते हो किस पे डबल बॉन्ड पे, जहां पे आपको एक तरफ जाता है एक तरफ जाता है BH2, फिर उसे दोबारा ऐसे रिएक्शन करते जाते हैं तो बी आपका अकेला बच जाता है और CH3 CH2 या आपने जो भी एल्काइल लिया होगा उसका क्या हो जाता है होल थ्राई, तो आपका बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन। दूसरे स्टेप में आप क्या कराते हो इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, ऑक्सीडेशन मतलब आपका यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन करने के बाद आपका बनेगा BOH का होल थ्राइज और ये आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हैं, और अगर आपको
इस वीडियो को शेयर करना है तो अपने आपके फ्रेंड्स में आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो से फायदा हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।